आज लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज अटल टनल का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस टनल का नाम साल 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग रखा गया था। पीरपांजल की पहाड़ी को भेद कर 3,200 करोड़ की लागत से ये टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हाईवे पर बनी है। इसके उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। उन्होंने आगे बताया कि अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों और मजदूर भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। मोदी ने कहा, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुँचना आसान हो जाएगा। अटल टनल से मनाली और कैलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ 3 से 4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि हिमालय की पीर पांजाल श्रृंखला में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाए गए इस टनल से मनाली और लेह के बीच की 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी, जो 4 से 5 घंटे की बचत करेगी। ये टनल दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर और 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी में 3,071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टनल को तमाम तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है। दोनों पोर्टल पर टनल प्रवेश बैरियर लगाए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में कॉन्टैक्ट करने के लिए हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है। आगजनी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए 60 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट तंत्र स्थापित किए गए हैं। हर 150 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इनके साथ किसी भी घटना का पता लगाने के लिए प्रणाली लगी हुई है। प्रदूषण के स्तर को मापने और वायु की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता मापक निगरानी यंत्र लगाए गए हैं। आने जाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हर 25 मीटर की दूरी पर निकासी संकेत यानी कि एग्जिट पॉइंट बोर्ड लगाए गए हैं। पूरी टनल प्रसारण प्रणाली से लैस है। पूरे टनल में 50 मीटर की दूरी पर फायर रेटेड डंपर्स लगाए गए हैं। वहीं 60 मीटर की दूरी पर कैमरे लगे हुए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ सही रहे। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है। ये 10.5 मीटर चौड़ी है और इसमें 3.6 × 2.25 मीटर फायर प्रूफ आपातकालीन निकास टनल भी है, यानी 3.6 × 2.25 मीटर फायर टनल है आपातकालीन स्थिति के लिए। टनल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 कार और 1500 ट्रक आ जा सकते हैं। इसको इसी घनत्व के हिसाब से तैयार किया गया है। इस टनल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक राजनीतिक टनल का निर्माण करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। टनल के दक्षिण पोर्टल की पहुंच रोड की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 24 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए योगदान को सम्मान प्रदान करने के लिए रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया गया था। और आज इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया। आप देख रहे हैं ghamasan.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।